धनबाद के वासेपुर में नन्हे खान की हत्या और वीडियो जारी कर धमकी देने के आरोपी प्रिंस खान की मुश्किलें काफी बढ़ती नजर आ रही हैं। दहशत फैलाने के आरोप में पुलिस ने खुद मामला दर्ज किया है। 24 नवंबर को धनबाद के वासेपुर में नन्हे खान की हत्या के बाद प्रिंस खान के द्वारा वीडियो वायरल किया गया था, जिसमें प्रिंस ने नन्हे की हत्या की जिम्मेवारी तो ली ही थी और साथ ही फहीम खान के बेटों को मारने की धमकी भी दी है। नन्हे खान की हत्या मामले में प्रिंस खान और उसकी मां सहित 36 लोगों पर मामला दर्ज है। हत्या करने और साजिश रचने का मामला नन्हे खान के परिवार के द्वारा दर्ज कराया गया है। इस पूरे मामले को लेकर धनबाद के क्रिमिनल लॉयर समर श्रीवास्तव से लगातार ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति वीडियो वायरल कर धमकी देता है या किसी कांड की जिम्मेवारी लेता है तो दहशत फैलाने का मामला बनता है। एक तो हम लोग ये देखेंगे सबसे पहले कि वो आदमी कौन है, कैसा है। अगर वो आदमी क्रिमिनल नेचर का है, उसके तहत कोई धमकियाँ इस प्रकार की आती है तो मैटर बहुत सीरियस है। किसी खास आदमी के लिए नहीं बल्कि जनरल लोगों के लिए खास बात हो जाती है और साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर का भी बात हो जाता है इसमें। लेकिन अगर धमकी मिल रही है, उसने धमकी के पहले किसी की हत्या भी की है, जो मालूम होता है उसके बाद से कि मैंने हत्या किया, मैं कर सकता हूँ, करूँगा, तो इस मामले में 506-507 जो धारा है IPC का बहुत अप्रोप्रिएट है और उसमें पुलिस एक्शन ले सकती है और ऐसे व्यक्तियों पे कड़ाई तो करना ही चाहिए, नहीं तो पूरे लोग पूरे जिले में हर जगह में खतरा बना रहता है। बस पुलिस इसमें खुद मामला दर्ज करेगी, पुलिस कभी ले सकती है मामला, खुद मामला दर्ज करेगी। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।